हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 के 36 क्लास तक आ चुके हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं आज इस क्लास में लोग सीखने क्या वाले हैं। तो आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांजिशन। हम लोग ट्रांजिशन के ऊपर आज वॉक करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की आपसे रिक्वेस्ट है, नए तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले क्लासेस आपसे कभी मिस ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। तो ये अभी आपने देखा, हम लोगों ने साइड के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर दिया। अब मैं इन ट्रांजिशन को देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या स्लाइड शो को प्ले करूंगा। स्लाइड शो को प्ले करने का शॉर्टकट क्या है? F5। अगर हम अपने कीबोर्ड से F5 को प्रेस करते हैं तो हमारा ट्रांजिशन अप्लाई होता है। तो अभी आपने एक ट्रांजिशन को देखा, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आपको दूसरा ट्रांजिशन दिखा, मैं तीसरे की बात कर रहा हूँ। ये चौथा है जो हमारे जो प्रेजेंटेशन उसे काफ़ी कूल बनाता है। ये पाँचवा और ये छठा। तो अभी आपने देखा उन्होंने ट्रांजिशन किस तरह से अप्लाई किए। साथ में अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन ऑप्शंस की। यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर मैंने जो ट्रांजिशन अभी अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं किसी के ऊपर भी आऊँ और उसको अगर देखना चाहते तो आप देखिए, इसके ऊपर मैंने डिजॉल्व यूज़ किया है, इसके ऊपर मैंने ये थ्रेड यूज़ किए हैं। अगर आप उस ट्रांजिशन को देखना चाहते हो तो आप क्या यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हो कि इसके ऊपर मैंने आखिर किस तरह का ट्रांजिशन यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर भी क्लिक करके ट्रांजिशंस को प्ले कर सकते हो। साथ में अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑप्शन की। ये जो मैंने इफेक्ट यूज़ किया है उसके ऑप्शंस की, यहाँ पे आप इसे के इफेक्ट ऑप्शंस को चेंज कर सकते हो। अभी ये लेफ्ट से इसमें चेंजेस आ रहे थे, अगर आप टॉप से इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो आप इसमें टॉप से चेंजेस कर सकते हो। प्रत्येक स्लाइड के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं इस फोन नंबर की बात करूँ तो ये ग्लिटर है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो आप इन सारे ऑप्शंस को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए वो चेंज हो गया। साथ में हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें भी आपको चेंजेस कर सकते हो। तो ये इफेक्ट ऑप्शंस थी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शंस अप्लाई करना चाहते हो आप इफेक्ट ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके उन ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं साउंड की। अगर आप चाहते हो कि आपका जो स्लाइड हो जैसे ही एंट्री ले उसके वक्त आपको कोई साउंड सुनाई दे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, साउंड को सेट कर सकते हो। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कुछ साउंड्स दी गई है, आप उन साउंड्स का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अदर साउंड का भी ऑप्शन दिया गया है। आप किसी साउंड को अपने फाइल से इम्पोर्ट करना चाहते हो तो आप अदर साउंड के साथ जाओगे। साथ में यहाँ पे लूप अनटिल नेक्स्ट साउंड, यहाँ पे आपको एक सेक्शन लूप अनटिल नेक्स्ट साउंड का भी मिलता है। जब तक आपका स्लाइड चल रहा है तब तक वो साउंड बार बार रिपीट करता रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक विंड का जो साउंड है मैं उसे अप्लाई कर देता हूँ। जब भी मेरा ये स्लाइड आएगा तो इसके ऊपर विंड का जो एक आवाज़ हमें सुनाई देगा। साथ में मैं अपने दूसरे स्लाइड के ऊपर भी एक साउंड अप्लाई कर देता हूँ, डम रोल। साथ में मैं थर्ड स्लाइड के ऊपर भी एक अपना कोई भी साउंड अप्लाई कर देता हूँ। मैं वापस अभी से प्ले करता हूँ, मैं अपने कीबोर्ड से F5 को प्रेस करूँगा। आई होप आपको ये साउंड सुनाई दिया होगा। तो ये देखा, अभी आपको यहाँ पे कुछ साउंड सुनाई दे रहे थे। ये किसकी मदद से की गई, यहाँ पे ये यहाँ साउंड इफेक्ट के कारण यहाँ पे अप्लाई किया गया। साथ में हम ट्रांजिशन की बात करें तो अभी हम इस ट्रांजिशन को जब प्ले करते हैं तो एक काफ़ी देर का वक्त लगता है इसे यू अप्लाई होने में, इसे कंप्लीट होने में। तो हम इसके इस ट्रांजिशन साउंड के टाइम को भी बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला जो ट्रांजिशन है उसे अब पूरी तरह से अप्लाई होने में 1 सेकेंड का वक्त लगता है, हम इसे बढ़ाकर 1.5, 25 और 2 सेकंड भी कर सकते हैं। साथ में इस ये जो हमारा दूसरा जो ट्रांजिशन इसे अप्लाई होने में 2.50 सेकंड लगते हैं, इसे हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मैं इसे 4 सेकंड कर दिया। और ये जो है इसमें 1.20 सेकंड लगते हैं, इसे मैं कम कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ। और अब मैं इन तीनों को आपको प्ले करके दिखलाता हूँ। ये देखिए काफ़ी स्लो हो गया है, इसके बाद वो काफ़ी फास्ट हुआ क्योंकि इसका मैंने टाइम कम कर दिया था। तो इस तरह से आप साउंड्स को और ड्यूरेशन को भी सेट कर सकते हो। साथ में अगर आप चाहते हो कि आपने जो फर्स्ट के ऊपर अप्लाई किया, या मान लीजिए पार्टिकुलर मैं किसी की बात करूँ, मान लीजिए मैं इसके ऊपर जो भी मैंने अभी यूज़ किया है
मैं सबके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो जो भी मैंने ट्रांजिशन इसके ऊपर अप्लाई किया था वो सबके ऊपर अप्लाई हो गया, और जो साउंड मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया वो भी सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और साथ में इसका ट्रांजिशन टाइम भी। तो हम वापस एक और स्लाइड शो करके देख लेते हैं क्या सच में ऐसा हो रहा है। तो ये देखिए, पहला मैं आपको दिखा, इसी तरह से मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो आपको ये दूसरा में दिखेगा, फिर ऐसे ऐसे आपको ये तीसरे में भी यही ट्रांजिशन अप्लाई होता हुआ दिखेगा। तो ये थे हमारे ट्रांजिशंस के कुछ ऑप्शंस जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। साथ में अगर आप चाहते हैं कि आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो मुझे बार बार माउस से क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े, हमारे जो स्लाइड्स हैं वो अपने आप चेंज होते जाएं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑन माउस क्लिक है, हम इसे अनचेक करेंगे और आफ्टर को हम क्लिक करेंगे, आफ्टर को हम चेक कर लेंगे, उसके बाद हम कितने देर के बाद हम अपने स्लाइड को चाहते हैं कि वो चेंज करें। मान लीजिए मैं 3 सेकंड के बाद चाहता हूँ, 4 सेकंड के बाद चाहता हूँ, या फिर मैं 2 सेकंड के बाद चाहता हूँ, तो मैं ऐसे यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 सेकंड और ये 2 सेकंड, मैं 2 सेकंड के बाद चाहता हूँ कि जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिक चेंज कर जाए, मुझे माउस क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 2 सेकंड कर दिया, मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। अप्लाई टू ऑल करने के बाद मैं स्लाइड शो को स्टार्ट करूँगा, और जैसे ही मैं स्लाइड शो को स्टार्ट करूँगा अब मुझे माउस क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा, हर 2 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। तो अभी आपने देखा ये जो स्लाइड्स होता वो ऑटोमेटिक चेंज होता जा रहा है, मैं मुझे यहाँ पे ना तो माउस क्लिक करनी पड़ रही है और ना ही मुझे अपने राइट या लेफ्ट एरो की को प्रेस करना पड़ रहा है, ये अपने आप यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ये अपने आप यहाँ पे चलता जाएगा। तो ये थे हमारे ट्रांजिशंस के यूज, और मैंने इसके सारे ऑप्शंस आपको क्लियर करने की कोशिश की। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने सीखा ट्रांजिशंस। तो आज की इस क्लास में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद ज़ेयर। अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए कोर्स में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।